खुशी आई है घर में, सब सेलिब्रेट करें, करवा चौथ क्या करना चाहेंगे? हाँ, आज पूरा परिवार साथ में मिलके, भारद्वाज परिवार, हम सब सेलिब्रेट कर रहे हैं करवा चौथ, और सब औरतों ने अपने हस्बैंड्स के लिए व्रत रखे हैं, एंड हम लोगों ने भी, किसी किसी ने, सब ने शायद रखे हैं, पता नहीं, पर मैंने ज़रूर रखा है अपनी रोशनी के लिए। तो आई थिंक एक तरीका होता है, एक रिस्पेक्ट होता है, जो वो हमारे लिए कर रही है हम उनके लिए कर रहे हैं, एंड इट्स अ लॉट ऑफ फन, बिकॉज बहुत टाइम के, बहुत दुखों के बाद फाइनली भारद्वाज परिवार में खुशियाँ आई हैं माता रानी के आने के बाद। आई थिंक एक बहुत अच्छा एक पर्व जैसा माहौल हो गया है, एक प्रॉपर त्यौहार जैसा माहौल हो गया, जो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत इन्जॉय कर रहे हैं सब। यहाँ पर एक चीज़ और भी देखी जा रही है ना, सीमा पर नज़र रखनी पड़ेगी, प्रेम के हाथों से पानी पिएगी, हाँ क्या था वो मुझे नहीं पता, वो परी को पता है, वो भैरवी जी को शायद पता होना चाहिए, पर आई थिंक उनको कहीं ना कहीं ये शक है कि सिमर जो है वो अब माता रानी है या कोई और है, कोई भैरूपी आ गया है उनकी जगह पे, एंड वो इसीलिए प्रेम को आसपास नहीं आने दे रहा, और वो ये देखना चाहती हैं कि क्या वो व्रत खोलेंगी उनके हाथों से, क्योंकि अगर वो कोई और होगी तो नहीं करेगी ऐसा, एंड आई थिंक उनकी जो जितना भी उनका शक था वो सब आई थिंक नाजायज़ था, बिकॉज माँ ने पूरी तरीके से पापा के साथ यू नो ये रस्म निभाई है, एंड उन्होंने पानी भी पिया प्रेम के हाथों से और खाया भी मीठा, तो आई थिंक अब उनका शक गलत साबित हो गया। लेट्स सी अब आगे वो क्या सोचते हैं, क्योंकि भैरवी और परी का तो काम ही है कुछ नए नए शक करना और नई नई चीज़ें सोचना, तो लेट्स सी आगे क्या करती हूँ। थैंक यू। तो इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। फिर हम इस कलश से पानी चढ़ाते हैं पहले चंद्र भगवान को, और उसके बाद इसी कलश से हमारे जो पति होते हैं वो हमारा व्रत पूरा करते हैं, और उसके अलावा ये ड्राई फ्रूट्स हैं जो हमें सर्दी में मिलते हैं, मतलब व्रत शुरू होने से पहले सुबह सुबह ये खाने को मिलता है, ताकि जितना डिफिकल्टी फास्ट है उतना डिफिकल्ट ना रहे, तो हमारा ख्याल रखा जाता है, तो ये भी उसके बाद खिलाया जाता है। तो ये तो हो गई मेरी थाल, और उसके बाद कुछ मीठा भी खिलाते हैं, और उसके बाद फिर जो आपको खाना है वो आप खा सकते हैं दोनों मिलके। तो दैट इज़ व्हाट करवा चौथ इज़, एंड मुझे करवा चौथ बहुत पसंद है, क्योंकि बचपन से फिल्मों में करवा चौथ देखे हैं, और फिर अपने शोज़ में करवा चौथ किए हैं, और अब उसके बाद असल ज़िंदगी में भी करवा चौथ करती हूँ, तो मुझे बहुत पसंद है। देखिए, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि रेड, क्योंकि सुहागन का कलर होता है रेड, सिंदूर का कलर होता है रेड, तो जो भी आप रेड साड़ी मैनेज कर सकते हैं, रेड सलवार कमीज मैनेज कर सकते हैं, रेड लहंगा मैनेज कर सकते हैं, तो वो रेड है। उसके अलावा तो काफ़ी सिंपल है, आई थिंक हर शादीशुदा औरत की वार्डरोब में एक्सेसरीज़ में लाल बिंदी ज़रूर होती है, मैंने लाल बिंदी लगाई है, सिंदूर भरा है अच्छे से, और बैंगल्स पहनी है, मुझे कांच की चूड़ियाँ बहुत पसंद है, मैंने कांच की चूड़ियाँ पहनी हैं, और ज्वेलरी, ज्वेलरी का भी बहुत शौक होता है लोगों को। तो करवा चौथ का एक प्लस पॉइंट है कि आप अपने सारे अरमान पूरे कर सकते हैं, जितना सजना है सज सकते हैं, एंड यू विल ओनली गेट इन कॉम्प्लीमेंट, सो दैट्स क्वाइट नाइस। रियल लाइफ में दोनों बिजी है, मतलब देखिए क्या है, टाइम तो चुराना पड़ता है, और अब इतने सालों से हम दोनों काम कर रहे हैं कि अब हमको चुराना आ गया है टाइम, तो और करवा चौथ वाले दिन चांद भगवान कभी जल्दी नहीं निकलते, तो आई एम श्योर कि हमारे पैकअप्स के बाद, और या फिर शरद आ जाएगा मुझे लेने के लिए कि रास्ते में अगर हमको कहीं दिखने वाले हैं तो वहाँ, बट अदरवाइज नॉर्मली थोड़ा लेट ही आते हैं चंदा मामा, और 7 से 7 की शिफ्ट या सुबह की शिफ्ट लग जाएगी, ताकि हर कोई जाके अपना करवा चौथ पूरा कर सके। लास्टली कोई ऐसा यादगार तोहफा जो आपको करवा चौथ पर मिला हो शरद की तरफ से, सबसे यादगार? बुला रहे हैं, बुला रहे हैं। थैंक यू।